हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, UGC का निर्देश, ऑनलाइन हो 25% पढ़ाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने COVID-19 संकट को देखते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों में 75% पाठ्यक्रम कक्षा में पढ़ाया जाए और बाकी 25% ऑनलाइन पढ़ाई हो। इसके लिए शिक्षकों को तकनीक से जुड़ना होगा और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शनिवार या रविवार को घर बैठे ऑनलाइन क्लास में पूरा करना होगा। इसके लिए शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना सिखाया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को COVID-19 सेल बनाने होंगे। लॉकडाउन के दौरान छात्रों व उसके शिक्षकों की यात्रा और उनके निवास का ब्यौरा रखना होगा। छात्रों की समस्याओं का निदान, परीक्षा समेत विभिन्न दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षिक सन 2019-20 के एग्ज़ाम से संबंधित जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और नेक्स्ट सीजन 2020-21 के लिए एडमिशन का जो कैलेंडर है वो भी UGC की तरफ से जारी कर दिया गया है, इसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहां पर नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट से खुद को अलग नहीं कर सकते अल्पसंख्यक संस्थान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला सिर्फ नीट से ही होगा। संस्थानों की यहां पर दलील थी, जो कि अल्पसंख्यक कॉलेजेस थे, दाखिला देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा कहना था। लेकिन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों की दलील थी कि राज्य द्वारा नीट के जरिए छात्रों को उनके संस्थानों में प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। उनका दावा था कि कुछ संस्थानों की परीक्षा प्रणाली अखिल भारतीय स्तर से व्यापक है, क्योंकि वे सामान्य क्षमता का भी परीक्षण करते हैं। जबकि नीट में मूल्यांकन 3 विषयों, भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पर आधारित है। उनका कहना था कि उनके पास मूल्यांकन की एक विस्तृत प्रक्रिया है और वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर छात्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन शीर्ष अदालत ने इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर के तमाम डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में केवल और केवल नीट के आधार पर ही जो दाखिले हैं वो किए जाएंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक संस्थान हो या फिर अदर कॉलेजेस हों। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं की तिथि जारी की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 10वीं व 12वीं की शेष परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और ना ही उनके आयोजन को लेकर कोई बदलाव किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप यहां पर देख सकते होंगे, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स के लिए नए शैक्षिक सन से सभी यूनिवर्सिटीज़ में 70% आपका जो कोर्स है वो एक समान होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में नए सन से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला ले लिया है। समान पाठ्यक्रम पहले ही तैयार करा लिया गया है। शासन ने कहा कि विश्वविद्यालयों को इसे 70% लागू करना अनिवार्य होगा, वे चाहें तो इन पाठ्यक्रमों को 100% भी लागू कर सकते हैं। उससे सब विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। इस फैसले के संबंध में संस्तुतियाँ उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, IEERT में एडमिशन के लिए दाखिले को 12 जून तक होंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 21 एवं 22 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब तक सभी पाठ्यक्रमों के लिए 5,618 स्टूडेंट्स ने किया है आवेदन। कोरोना प्रभाव को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कि IEERT में डिप्लोमा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बुधवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर बिमल मिश्र ने परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 12 जून तक करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 21 और 22 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नए सन में प्रवेश के लिए 11 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमूमन सभी काम ठप हैं, अधिकांश छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं। अब तक 5,618
अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जबकि पिछले साल प्रवेश के लिए तकरीबन 11,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। परीक्षा सचिव डॉक्टर केवी सिंह ने बताया कि अब 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा की नई तिथि लॉकडाउन के बाद जारी की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर AKTU के स्टूडेंट्स के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। AKTU परीक्षा फॉर्म 10 मई तक जमा होंगे। AKTU ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ा दी है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि छात्र 10 मई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही परीक्षा की तिथियाँ घोषित की जाएंगी। इसके अलावा जिन छात्रों ने चैलेंज मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है उनका रिजल्ट इसी सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जानते हैं अगली अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते होंगे फर्जी सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी तय है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है। इसके साथ ही 814 अन्य ऐसे लोगों के बारे में 3 माह में निर्णय ले विश्वविद्यालय। निर्णय में देरी हुई तो कुलपति के वेतन से होगी कटौती। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SIT जांच रिपोर्ट एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की रिपोर्ट के बाद सन 2005 की BEd की फर्जी डिग्री के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की बर्खास्तगी को वैध करार दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा जुलाई में स्काइप से प्रैक्टिकल। जी हाँ दोस्तों, साक्षात्कार ऐप से स्काइप और अन्य ऐप से प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। PhD MPhil के साक्षात्कार भी स्काइप आदि से कराने को कहा है। PhD MPhil छात्रों को 6 महीने का विस्तार। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने विश्वविद्यालयों में परीक्षा के लिए UGC द्वारा तैयार दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी। इसमें पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड मिलेंगे। आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। हालात सामान्य नहीं हुए तो आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर के 50-50% वेटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जून तक 30 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गृह मंत्रालय ने मानी मांगे लेकिन कहा शर्तें भी निभानी होंगी। फंसे हुए मजदूरों, छात्रों, टूरिस्टों को घर जाने की छूट। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, पर्यटक और तीर्थयात्री अब अपने घरों को लौट सकेंगे। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों को मानना होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार 15 मई तक बढ़ा सकती है लॉकडाउन। और इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षकों को सैलरी नहीं दे पा रहे इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉलेजों के मुताबिक वेतन के लिए बजट नहीं, AKTU से मांगी सहायता राशि। लॉकडाउन में रहे शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए AKTU कुलपति ने सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को मार्च तक का वेतन जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन कई कॉलेजों ने वेतन देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। कॉलेजों का कहना है कि उनके पास शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट ही नहीं है। इस पर AKTU ने कॉलेजों से शिक्षकों के वेतन का ब्यौरा मांग लिया है। वेतन को लेकर कई शिक्षकों की लिखित शिकायतें भी आई हैं। कई कॉलेजों ने शिक्षकों और कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन नहीं दिया है। ऐसे कॉलेजों को जांच के लिए वेतन दिए जाने का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही यहां पर लास्ट अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाओं में ऑनलाइन भेजे जाएंगे पेपर। और इसके साथ ही आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है। लॉकडाउन खुलने के 1 माह बाद परीक्षाएँ। परिषद ने पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख अभी नहीं तय की है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद सेमेस्टर परीक्षाएँ शुरू कराई जाएंगी। इसके लिए छात्रों को सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और भी एजुकेशनल न्यूज आपको लगातार समय समय पर मिलती रहे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।